पिछले कुछ सालों में जितनी भी मूवीज आई जो कि काफी बड़ी हिट रही वो मेनली मसाला या फिर एक्शन एंटरटेनर मूवीज थी। बॉलीवुड में ऐसा बहुत ही कम होता है कि एक नॉन एक्शन मूवी या फिर एक सोशल ड्रामा मूवी को उतनी हाइप मिले जितना एक एक्शन मूवी या फिर एक कमर्शियल मूवी को मिलती है। लेकिन अब ये स्ट्रीक टूटने वाली है क्योंकि डंकी रिलीज होने वाली है। डंकी बेसिकली एक सोशल ड्रामा प्लस कॉमेडी मूवी है और जिस हिसाब से ऑडियंस के अंदर इस मूवी को लेकर हाइप है वो किसी भी कमर्शियल मूवी की हाइप को इजीली टक्कर दे सकता है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। और ब्लॉकबस्टर के साथ साथ ये मूवी इंडियन सिनेमा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। कैसे वही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब मैंने गेम चेंजर वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि हर साल कोई ना कोई मूवी एक बिग हिट हो ही जाती है लेकिन वो मूवी हिंदी सिनेमा के लिए कोई खासा वैल्यू ऐड करके नहीं जा पाती जिससे अपना इंडियन सिनेमा ग्रो हो सके। वो मूवीज आती है और अपना पैसा कमा के ठीक है भाई मैं चलता हूँ। लेकिन डंकी मूवी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है क्योंकि इस मूवी का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा ही यूनिवर्सल है। एज यू नो कि ये मूवी डोंकी फ्लाइट पर बेस होने वाली है। डोंकी फ्लाइट बेसिकली किसी भी दूसरे देश में गैर कानूनी तौर से घुसने के प्रोसेस को बोला जाता है और ऐसा लगता है कि ये मूवी ओवरसीज में एनआरआई के अलावा काफी और लोगों को भी अट्रैक्ट करेगी और इंडियन सिनेमा की ऑडियंस को और भी ज्यादा इंक्रीज करेगी। हमें इस मूवी में इलीगल इमिग्रेंट्स की स्टोरी देखने को मिलेगी और यूएसए में लगभग 50 मिलियन लोग इलीगल इमिग्रेंट्स है जो कि वहाँ की पॉपुलेशन का 15% है। जर्मनी में 16 मिलियन और यूके में 9 मिलियन लोग इलीगल इमिग्रेंट्स है जो कि उस देश में गैर कानूनी तौर से रह रहे हैं। और इसके साथ साथ यूएसए और यूके जैसे मार्केट में एसआरके की काफी अच्छी रीच है और इसके साथ साथ ये टॉपिक वहाँ की ऑडियंस को भी काफी अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करेगा। एंड डेफिनेटली जो एप्रिसिएशन ग्लोबली ट्रिपल आर को था वो डंकी को भी जरूर मिलेगा एंड इन द एंड इंडियन सिनेमा ही और भी ज्यादा ग्रो करेगा और ग्लोबली काफी ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड होगा। देखो हर हिंदी सिनेमा लवर के लिए एसआरके और राजकुमार हिरानी सर का एक साथ काम करना ही ड्रीम कम ट्रू है। दोनों ही इंडस्ट्री में काफी बड़े नाम है और पहली बार ये लोग कोलैब कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि इन दोनों ने पहले काम करने का ट्राई नहीं किया। राजू हिरानी सर ने सबसे पहले 3 इडियट्स और मुन्ना भाई MBBS एसआरके को ही ऑफर की थी बट उस टाइम पे चीजें मटेरियलाइज नहीं हो पाई और इन दोनों का कोलैब नहीं हो पाया। लेकिन कहते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। 3 इडियट्स और मुन्ना भाई MBBS देखकर लगता है कि वो वाले कैरेक्टर आमिर खान या फिर संजय दत्त के लिए ही बने थे बट राजकुमार हिरानी सर ने के लिए जो कैरेक्टर बनाया है हार्डी वो SRK की वन ऑफ द आइकॉनिक कैरेक्टर्स की लिस्ट में तो जरूर शामिल होने वाला है। और राजकुमार हिरानी सर का सक्सेस रेशो 100% है मतलब उन्होंने आज तक एक भी फ्लॉप मूवी नहीं बनाई है। और लास्ट SRK की कुछ मूवीज देख के लगता है कि SRK भी अब फ्लॉप देने के मूड में नहीं है। सिस्टम पार देंगे मतलब एक मूवी को अच्छा होने के लिए जो चीज चाहिए एक अच्छी स्टोरी एक अच्छा एक्टर और उससे एक्टिंग करवाने वाला एक अच्छा डायरेक्टर और ऑडियंस की हाइप और उनका सपोर्ट और ये सब चीजें डंकी मूवी के पास है तो इसका मतलब मूवी को अच्छा होना पड़ेगा ऑडियंस अपने आप संभाल लेगी। इस मूवी में हमें शाहरुख खान नहीं बल्कि एक्टर शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। ऐसे एक्टर SRK बहुत ही ज्यादा कमाल की है जिसका नमूना हमने चक दे इंडिया माय नेम इज खान या फिर स्वदेश देवदास फैन जैसी मूवीज में देख रखा है बट बॉलीवुड में एक्टर SRK को बहुत ही कम एक्सप्लोर किया गया है। और किसी ने सही कहा है कि इस देश में पावरफुल एक्टर्स है लेकिन हमेशा उनके पोटेंशियल को वेस्ट कर दिया जाता है या फिर हमेशा उनकी पोटेंशियल के हिसाब से उनसे काम नहीं करवाया जाता। SRK रोमांटिक मूवीज काफी अच्छे करते हैं नो डाउट बट उनमें एज ए एक्टर भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है जिसका पूरा यूज राजू हिरानी सर ने अपनी मूवी में जरूर किया होगा। और इसके साथ साथ SRK ने इस मूवी में एज ए एक्टर काफी ज्यादा मेहनत की है। वो शूटिंग से एक दिन पहले ही वो राजू हिरानी सर को वीडियोस भेजा करते थे जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स की रिहर्सल करते थे उसमें डिफरेंट डिफरेंट वे में एक्टिंग किया करते थे जिससे राजू हिरानी सर के काम को थोड़ा सा इजी हो जाता था। एंड डेफिनेटली डंकी मूवी को काफी सारे लोग देखने जाएंगे लेकिन उनमें से भी काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि एक्टर SRK को देखने जाएंगे। सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था लेकिन कहां से सलार के मेकर्स को जोश आ जाता है और वो अपनी मूवी की रिलीज डेट अनाउंस कर देते हैं जो कि है 22 दिसंबर, सेम डेट जहां पे डंकी रिलीज होने वाली है और डंकी का रिलीज डेट एक साल पहले ही अनाउंस कर दिया गया था। सलार एक मास एक्शन मूवी है और डंकी एक ड्रामेडी मूवी है तो शायद शुरू में सलार का पलटा थोड़ा सा हावी हो सकता है लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की देखी जाए तो डंकी के ज्यादा चलने के चांसेस है। दोनों ही मूवी के पास अपने अपने 2 प्लस पॉइंट है, डंकी के केस में SRK और राजकुमार हिरानी सर और सलार के केस में प्रशांत नील और प्रभास। लेकिन प्रभास की लास्ट कुछ मूवीज को देखकर लगता है कि वो अपना ऑडियंस से ट्रस्ट खोते जा रहे हैं और दूसरी तरफ SRK की कुछ लास्ट मूवीज को देखकर लगता है कि उनका ऑडियंस के प्रति ट्रस्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और राजकुमार हिरानी सर पे शक करना तो पाप है। बात तो सही है।
अब थोड़ी बात कर लेते हैं इन दोनों मूवीज की मार्केटिंग पे। डंकी का ड्रॉप 1 आ चुका है और ऐसे करते करते और भी ड्रॉप आ सकते हैं। या ड्रॉप से मेरा मतलब टीजर है, और वो अगर टीजर को ऐसे टुकड़ों में अपलोड करने का सोच रहे हैं तो काफी अच्छी सोच है, क्योंकि ऐसा करने से पूरे महीने ही उनकी मूवी की चर्चा रहेगी और हाइप भी मेंटेन रहेगी। और इसके साथ साथ पोस्टर और सॉन्ग भी आएंगे और दिसंबर में तो ट्रेलर आ ही जाएगा। लेकिन अभी रूमर्स के हिसाब से डंकी एक दिन पहले रिलीज हो सकती है, मतलब 21 दिसंबर को ही वो रिलीज हो सकती है। और ऐसा करने से डंकी का ही फायदा है, क्योंकि रिव्यूज पहले आएंगे और वर्ड ऑफ माउथ डंकी का पहले स्प्रेड होगा। और अगर बात करें सलार की, तो वो मूवी को वैसे ही क्लासिकल वे में ही प्रमोट कर रहे हैं। पहले ऑलरेडी एक टीजर आ चुका है, अब शायद एक और टीजर आए या उसके बाद ट्रेलर भी आ सकता है। और वैसे भी सलार एक कमर्शियल मूवी है, तो उसकी हाइप को जगाने के लिए बस एक ट्रेलर ही काफी है। और ऐसा हो सकता है कि डोमेस्टिक मार्केट में सलार डंकी पे भारी पड़े, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में डंकी डेफिनेटली काफी अच्छा बिजनेस करेगी। जैसा कि हमें पता है, राजू हिरानी सर अपनी हर मूवी में एक सोशल मैसेज तो देते ही हैं, और एक मैसेज तो इस मूवी में भी जरूर होगा। इस मूवी में डोंकी फ्लाइट के कॉन्सेप्ट पे तो बात होगी, इसके साथ साथ कुछ और कॉन्सेप्ट पे भी बात हो सकती है। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि वो क्या मैसेज होने वाला है, लेकिन अगर प्रिडिक्ट करना हो तो मैं कर सकता हूं। हम लोगों का जो ऑब्सेशन है गोरे लोगों को लेकर या फिर दूसरी कंट्रीज को लेकर, कि दूसरी कंट्री का माल है तो अच्छा ही माल होगा, माल से मेरा मतलब प्रोडक्ट से है, तुम सालो हरामी हो, गलत मत समझ जाना। और जो दूसरा ऑब्सेशन है इंडियंस को, इंग्लिश को लेकर, इधर बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि अगर दूसरे बंदे को इंग्लिश नहीं आती तो वो सीधा गवार है। और हो सकता है कि मूवी में इन्हीं कुछ टॉपिक्स के ऊपर एक सार्केस्टिक स्लैंग हो। बहुत सारी कंट्रीज है जो कि अपनी लैंग्वेज को ही इंपोर्टेंस देती है, जैसे चाइना, जापान या फिर कोरिया, तभी वो कंट्री डेवलप्ड है, इतनी आगे है। वहां के कॉमन लोग इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट ही नहीं करते, उस लैंग्वेज का यूज ही नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ इससे थोड़ा सा अपोजिट है। लेकिन जो भी हो, हमें इतना पता है कि इस मूवी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और एक वेल रिटन स्टोरी को एक अच्छी तरीके से कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उसका एक मॉडर्न डे एग्जांपल देखने को मिलेगा। बहुत से लोगों ने डोंकी फ्लाइट ये नाम जब ये मूवी हाइप में आई तभी सुना होगा, टू बी ऑनेस्ट मैंने भी तभी सुना था। लेकिन हमने जब थोड़ी सी रिसर्च की तब हमें पता चला कि जो डोंकी फ्लाइट का कॉन्सेप्ट है ये फॉरेन कंट्रीज में काफी ज्यादा ही रेलेवेंट है, और ये चीज डंकी के इंटरनेशनल सक्सेस के लिए एक प्लस पॉइंट है। और यूके, कैनेडा या फिर यूएसए जैसे देश इस चीज से काफी ज्यादा ही एक्सपोज है, क्योंकि यूके और कैनेडा जैसी कंट्री जिन लोगों को वीजा नहीं देते वो लोग डोंकी फ्लाइट का यूज करके गैर कानूनी तौर से उस देश में घुस जाते हैं, जिसके कारण वहां की सरकार इस चीज से काफी ज्यादा ही परेशान है। और जब उनके कंट्री में एक ऐसी मूवी रिलीज होगी जो कि डोंकी फ्लाइट के ही कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो वहाँ के लोगों के लिए ये मूवी पराई नहीं लगेगी, वो लोग इस मूवी से रिलेट कर पाएंगे। और जहाँ पे ऑडियंस ने मूवी से रिलेट कर लिया तो मतलब उस मूवी का हिट होना पक्का है। और अगर तुम्हें डोंकी फ्लाइट के बारे में थोड़ा सा और जानना है तो तुम्हें मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो को थोड़ा सा और खींचना है उस टाइम। मान लो तुम लोगों को रशिया जाना है लेकिन तुम्हें रशिया का वीजा नहीं मिला है, तो इसका मतलब तुम लीगल वे से तो रशिया में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया ने तुम्हें वीजा ही नहीं दिया है। तो तुम अब एक इलीगल रूट अपनाओगे, तुम कैसे भी डोंकी फ्लाइट वालों से कांटेक्ट कर लोगे तो वो लोग तुम्हें जिस भी कंट्री में जाना है उसके नेबर कंट्री का वीजा दिलाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें रशिया जाना है तो वो लोग तुम्हें मंगोलिया या फिर रशिया के दूसरे नेबर कंट्री का वीजा दिलाएंगे। फिर उसके बाद तुम उस नेबर कंट्री में जाके तारों के नीचे से हो या फिर पहाड़ चढ़ के रशिया या फिर किसी भी कंट्री में एंट्री करोगे। और ये प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं है। जिन लोगों ने डोंकी फ्लाइट्स को अपनाया है उन लोगों को बहुत बहुत दिन तक भूखा रहना पड़ा था, कभी पहाड़ चढ़ना पड़ा था और कभी रेगिस्तान पार करना पड़ा था, और कभी कभी तो मल्टीपल कंट्रीज को क्रॉस करके फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा करते थे। और ऐसे केस तुम्हें दुनिया भर के मिल जाएंगे। थोड़ा सा गूगल करोगे तो इस प्रोसेस के बारे में तुम्हें और भी ज्यादा जानने को मिलेगा। और अगर तुम्हें ये जानना है कि दी कॉमेडी किंग, खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार सर का ये सडन डाउनफॉल कैसे आ गया तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। और अगर तुम्हें जॉनी लीवर सर के ऊपर एक बाप लेवल की डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो राइट वाली वीडियो देख लेना। मैं मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।